हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब जी को चैनल। भी जोड़ लेंगे और एनटीपीसी उस लिहाज से फोकस में भी रहना चाहिए। वहां पर एक ट्रेड का मौका साफ स्क्रीन पर दिख रहा है। शिल्पा बताइए, सस्ता ऑप्शन? जी हर्षदा जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा मेटल से ही। मुझे वेदांता अच्छा लग रहा है। वेदांता 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 320 के ऊपर इनफैक्ट इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है फॉर टारगेट्स ऑफ 345। तो यहाँ पे वेदांता का 330 का कॉल ऑप्शन जो रफली 8 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 12 रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट्स टूवर्ड 16। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वेदांत में दिखाई दे रही है। राजेश पालविया, एफएनओ सुपरस्टार मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले टाटा केमिकल की एक खबर। 2% से ज्यादा चाइना में सोडा ऐश की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, दाम 1 महीने की ऊंचाई पर आ गए हैं। ये एक पॉजिटिव होगा टाटा केमिकल्स के लिए, जेएचसीएल के लिए, तो ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। एफएनओ सुपरस्टार आपका क्या है? तो हर्षदा जी, मेरा एफएनओ सुपरस्टार में स्टॉक एनटीपीसी ही है। स्टॉक में देखें, करेक्शन के बाद अब जिस तरीके से रिकवरी बनी, तो पिछले 2 दिन का जो एक करेक्शन था उसको तो आज ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। इवन इस रिकवरी के फेज में स्टॉक अपने मार्च के स्विंग हाई को भी अब वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप है डेरिवेटिव डेटा में। हमें लगता है एनटीपीसी यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 368 से लेके 372 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 356 के आसपास।